हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेट एजुकेशन। सो दिस चैनल इज फॉर ऑल द एनटी यूजीसी नेट एंड जेआरएफ एस्पिरेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट पेपर टू। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, टुडेस वीडियो गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम फिड्यूशियरी लिमिट्स, कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल के साथ साथ कई सारे पीवाईक्यूज पर करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे एजुकेशन के स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के साथ डील करता है, फिड्यूशियरी लिमिट्स। फिड्यूशियरी लिमिट्स क्या होती है और इसके साथ साथ इसका जो फॉर्मूला है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि m प्लस माइनस 1.96 इनटू sm ये है क्या, और 0.05 लेवल सिग्निफिकेंस लेवल ये क्या है, और ये हम कब यूज करते हैं क्वेश्चंस में, और कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम इन सबको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप आल्सो, जहाँ पे हम कई सारे एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ताकि हमारी गोल जेआरएफ अचीव हो सके और हमारी प्रैक्टिस बूस्ट अप हो सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर फिड्यूशियरी लिमिट्स? सो फ्रेंड्स, जो फिड्यूशियरी लिमिट्स होती है, ये हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है पॉपुलेशन मीन का, ठीक है। अब आपको मैं ये बताती हूँ, लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने हाइपोथेसिस को डिस्कस किया था। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, यहाँ पे टाइप वन एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि यहाँ पे आपका जो रिजेक्शन एरिया होता है, ठीक है, रिजेक्शन एरिया होता है जो कि हम यहाँ पे जिसके ऊपर हमारा ये पूरा डिसीजन बेस्ड होता है कि हमें यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना चाहिए या नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये जो रिजेक्शन एरिया जो आता है हमारा, ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्फिडेंस लेवल, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस लेवल। सो सिग्निफिकेंस लेवल फ्रेंड्स होता है कि योर टेंडेंसी टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू, यानी कि जो टाइप वन की प्रॉपर्टी को दिखाता है। टाइप वन एरर क्या था? टाइप वन एरर था कि जब हम अपने यहाँ पे हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दे जब वो राइट हो, ठीक है, राइट रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप वन एरर था, जो कि वही हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था कि जब हमारी टेंडेंसी, एक ऐसी टेंडेंसी कि हम यहाँ पे अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं जब वो ट्रू हो। और ये फ्रेंड्स जो सिग्निफिकेंस लेवल है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, यानी कि टाइप वन एरर जिसको कहते हैं, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, जो कि हमारे ये रिजेक्शन एरिया होता है। ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू होती है, मतलब ये आपका रिजेक्शन एरिया होता है कि अगर आपकी जो वैल्यू है, अगर आपका जो मीन है वो क्या कर जाए, वो आपका एक्सीड कर जाए, मतलब वो इस पोर्शन में ना आते हुए वो रिजेक्शन एरिया की तरफ आ जाए, तो ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाता है कि जब हम यहाँ पे टाइप वन एरर को कंडक्ट करने की टेंडेंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने की टेंडेंसी हमारी बढ़ गई जब वो राइट था, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया है हमारा टाइप वन एरर। सो फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल होता है फ्रेंड्स कि जब आप यहाँ पे अपना जो डिसीजन बनाया है उसमें आपको कॉन्फिडेंस है कि वो सही है। अगर आपने जो हाइपोथेसिस क्रिएट किया है, रिसर्चर ने अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो क्रिएट किया है, जिसको आप रिसर्चर हाइपोथेसिस कह रहे हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रहे हैं, जब वो उसे एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो उसने डिसीजन लिया है वो सही है, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर आ जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर वो हमारा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी एरिया आप देख सकते हैं, ये हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि जो मेरा जो मीन है, यानी कि जो मेरा जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो मेरा हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे सही है, जो मैं डिसीजन बना रही हूँ वो मेरा सही है यहाँ पे। और फ्रेंड्स, जो यहाँ पे सही है इस एरिया को, हम यहाँ पे मतलब सही को सही कहने की जो टेंडेंसी है, जो डिसीजन आपने लिया है वो सही है, उसे सही कहने की टेंडेंसी है, उसको हम 1 - α से यहाँ पे डिनोट करते हैं। और सिग्निफिकेंस लेवल को क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम देख लो, ये 1 - α क्या है? 1 - α यहाँ पे आपको शो कर रहा है, यानी कि आपकी टेंडेंसी कि आपका यहाँ पे जो डिसीजन लिया है वो सही है,
और यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि जब हमारा यहाँ पे टेंडेंसी है टू कंडक्ट दी टाइप वन एरर, यानी कि जब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता जब वो सही है तो। और फ्रेंड्स इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं हाइपोथेसिस के ऊपर कि टाइप वन एरर क्या है, टाइप टू एरर क्या है, उसके अंदर मैंने अल्फा है और कॉन्फिडेंस लेवल को डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसी वीडियो से रिलेटेड ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है। सो फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम फिड्यूशियरी लिमिट्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, यहाँ पे ये आपका स्टैटिस्टिक्स में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ये इंडिकेट करता है प्रोबेबिलिटी। क्या इंडिकेट करा है फ्रेंड्स, ये इंडिकेट करा है प्रोबेबिलिटी कि विद विच द एस्टिमेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको बताता है कि जो आपका जो यहाँ पे पॉपुलेशन का जो मीन है कि वो उस इंटरवल के अंदर आता है या नहीं आता है। आप क्या करते हो, एग्जाम्पल है यहाँ पे आपने इंटरवल यहाँ पे मेंटेन करा, आप कह रहे हो कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो 95% यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 95% क्या आ रहा है, 95% आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। और इसमें जो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल फ्रेंड्स ये दो लिमिट्स के बीच में होता है, एक हायर लिमिट्स और अपर लिमिट्स। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे कि यहाँ पे आप एस्टिमेशन लगाते हैं कि मेरे एग्जाम में कितने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आ जाएंगे 95%, ठीक है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मेरे 95% आ जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप ये लिमिट लगा रहे हो कि मैक्स टू मैक्स मेरे 95% यहाँ पे आ जाएंगे और मिनिमम कितने आ जाएगी, मिनिमम 80%, ठीक है, मिनिमम 80 और मैक्सिमम मेरे 95, यानी कि ये आपने क्या करी, आपने लिमिट लगा दी। इसी तरह से जब भी एक रिसर्चर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन मीन निकालता है उसका ये एक इंटरवल में, एक इंटरवल के माध्यम से वो दर्शाता है कि मेरा जो मीन है, जो पॉपुलेशन का मीन है, वो इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में लाइक करेगा आएगा। अभी आपके एग्जाम का एग्जाम्पल लिया था मैंने, एग्जाम में एक पर्सन है उसने कहा कि मेरे 80 से 95 मार्क्स के बीच तक आ जाएंगे, मतलब 80 से 95 तक के बीच में मैं स्कोर कर लूंगा। अच्छा तो फ्रेंड्स यहाँ पे 80 क्या है, 80 हमारी होती है लोअर लिमिट, ठीक है, यानी कि लोअर ये हमारी लिमिट हो गई, लोअर लिमिट LL जिसको हम कह रहे हैं। क्या हो गया, रुको मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। लोअर लिमिट और हायर लिमिट्स के बीच में, लोअर लिमिट्स और हायर लिमिट्स के बीच में, अपर लिमिट्स या लोअर लिमिट्स के बीच में आपका जो रेंज आती है वो हमारा इंटरवल होता है, ठीक है, वो हमारा इंटरवल होता है। इसी तरह से जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो इंडिकेट करते हैं वो हम कैसे करते हैं, फिड्यूशियरी लिमिट से इंडिकेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का मीन है वो इससे लेके, मतलब इस इंटरवल से लेके दूसरे इंटरवल तक के बीच में आ जाएगा, मतलब आप लिमिट लगाते हो इसके अंदर। कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एस्टेब्लिश करते हैं 95% पे, जो कि कैलकुलेट करता है आपका स्टैटिस्टिकल वैल्यू का, जो कि बेस्ड होता है आपके सैंपल पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज है, एक यहाँ पे लिमिटेशन है कि जब भी हम यहाँ पे मीन निकालते हैं, जब भी हम यहाँ पे मीन निकालते हैं अपने पॉपुलेशन का, तो कभी भी पॉपुलेशन का मीन हम नहीं निकाल पाते क्योंकि पॉपुलेशन तो ब्रॉड होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, और हमारा सैंपल का मीन निकालना इजी होता है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन मीन। तो इसी तरह से जो हमारा ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये हमेशा ही हमारा सैंपल के मीन के ऊपर बेस्ड होता है। अगर यहाँ पे सैंपल के मीन पे ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे बेस्ड होता है और इसी के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमें अपना जो हाइपोथेसिस है वो कब रिजेक्ट करना चाहिए और आपको यहाँ पे कितना आप कॉन्फिडेंस है कि आपका रिजल्ट इतना निकल कर आएगा कि 95 निकल कर आएगा, 99% आपका रिजल्ट निकल कर आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि आपकी एरर आने की संभावना, एरर आने की संभावना, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कह रहे हैं एरर आना। मान लो अगर आपका 95% आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा JRF आ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ 5% आपको ये एरर है कि आपको ये डाउट है, आपको ये संशय है कि मेरा JRF नहीं आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, JRF ना आना ये मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया, एरर आ गया। लेकिन मेरा 95% मैं श्योर हूं कि मेरा
JRF आएगा ही आएगा, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे समझो इसको। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे समझ रहे हैं अपने इस कॉन्सेप्ट को। हमेशा ही एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट कर करके सीखो। दो एग्जाम्पल दिए आपको, एक तो आपको इंटरवल बताया। इंटरवल क्या है? इंटरवल आ रहा है रेंज, कि आपकी किस से किस तक की रेंज में आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो लाई कर रहा है। अगर आपका पॉपुलेशन का मीन यहाँ पे उसी रेंज के अंदर लाई करता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा कि जब सही डिसीजन लिया है आपने, आप 99% श्योर हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपका उस रेंज में नहीं आ रहा है, यहाँ पे अलग जा रहा है, तो वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा, यानी कि एरर आने की संभावना हो जाएगी। अब इसके अंदर अदर वर्ड्स में देखा जाए कि चांसेस क्या होते हैं, अगर वेरी हाई होते हैं, अगर आपका अर्थमेटिक मीन है और पॉपुलेशन का वो एग्जैक्टली आपके एक मार्जिन के अंदर आए, विद इन द मार्जिन के अंदर आए आपका। ठीक है, जैसे कि आपके जो मार्क्स है, आपने यहाँ पे अंदाजा लगाया कि मेरे 80-95% तक के बीच में मार्क्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे मैं अंदाजा अगर आपका सही बैठा, आपके यहाँ पे 85% मार्क्स आ गए, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे सही हुए, आपने राइट डिसीजन लिया, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाई थी, आपने ये एक तरह का गैस किया था कि मेरे 80-95% के बीच में मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पे 85% आए। ठीक है, तो वो आपके बीच में लाई कर रहे हैं, तो यानी कि आप जीत गए, आपका गैस वर्क अच्छा था, आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी थी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है, यानी कि अगर आपका जो पॉपुलेशन मीन है वो उसी रेंज में यहाँ पे लाई करे तो वो हमारा फ्यूडिशरी लिमिट्स कहलाता है। ठीक है, और वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कहलाता है। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? आपका यहाँ पे सैंपल के मीन के ऊपर बेस्ड होता है, पॉपुलेशन के मीन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जो आपका जो टर्म है जो फ्यूडिशरी लिमिट्स का, ये आपको आर ए फिशर ने दी है। ठीक है, ये एक आर ए फिशर थे, स्टैटिस्टिकन थे, इन्होंने हमें ये फ्यूडिशरी लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बताया था, और उन्होंने कहा था कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी कि जब हमारे पॉपुलेशन का जो मीन है उसी इंटरवल के अंदर लाई करें। ठीक है, जो उसका सेट पैटर्न हो, सेट डिफाइंड उसका इंटरवल हो, उसी के अंदर हमारा पॉपुलेशन मीन निकल कर आए। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है, जिसको उन्होंने फ्यूडिशरी प्रोबेबिलिटी बताई थी, फ्यूडिशरी प्रोबेबिलिटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन आता है। अब ना फ्रेंड्स ये आपका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला होता है आपका एम, यहाँ पे एम क्या है, जिसको हम मीन कह रहे हैं, और यहाँ पे आप ना दो लिमिट निकालते हो, कब आप दो लिमिट निकालते हो इंटरवल में, याद रखना जब भी हम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इंटरवल को फ्रेंड्स रेंज भी कहते हैं, रेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप दो तरह की वैल्यू निकालते हैं, एक निकालते हैं अपर वैल्यू, दूसरे निकालते हैं लोअर वैल्यू। ठीक है, एक होती है आपकी अपर लिमिट, और लिमिट भी कह सकते हो, और एक होती है आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, एल एल जिसको कह रहे हैं, लोअर लिमिट, इनके यहाँ पे आप दो वैल्यू निकालते हो, एक लोअर और एक अपर। तो लोअर के लिए यहाँ पे आप क्या करते हो, हमेशा ही यहाँ पे माइनस करते हैं, और जब आप अपर लिमिट निकाल रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी होती है अपर लिमिट, पता है ना, लोअर लिमिट छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है, तो अपर लिमिट के लिए आप हमेशा ही यहाँ पे पॉजिटिव का साइन, मतलब पॉजिटिव करते हो, मतलब उसे प्लस करते हो। अब फ्रेंड्स फ्यूडिशरी लिमिट का फॉर्मूला है कि जब आपका यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल, यानी कि एरर आने के चांसेस 0.05 हो, अब फ्रेंड्स 0.05 क्या है, यानी कि 95% आप श्योर है कि आपका JRF आएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। ठीक है, 95% आप श्योर है कि आपका JRF आएगा, या फिर आप 99% श्योर है कि आपका यहाँ पे JRF आएगा, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन JRF ना आने के चांसेस कितने हैं 95% में, 5% है, सिर्फ और सिर्फ 5% है कि एरर आने के चांसेस, कि JRF ना आने के मेरे चांसेस, और दूसरी तरफ आपका 99% है अगर कॉन्फिडेंस, तो यानी कि 1% उसका ना आने का चांसेस, यानी कि एरर आने की संभावना। तो ये आप कैसे करते हो, 5% की बात करिए फ्रेंड्स, तो यानी कि आपकी 5% की बात करिए, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे क्या आएगा, 0.05 लेवल। ठीक है, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल। तो 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल कब होता है, सिग्निफिकेंस लेवल तब होता है कि जब आपके यहाँ पे 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है।
अगर आपका यहाँ पे 0.01% आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, तो इसका मतलब है कि आप 99% कॉन्फिडेंस हो अपना गोल जेआरएफ को अचीव करने में। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे समझते हैं इसको। और आपको दो तरह की आपको लेवल बता देगा क्वेश्चन में कि आपको यहाँ पे 0.05 लेवल पे निकालना है या फिर 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको यहाँ पे अपना मीन निकालना है। ठीक है, और इसके आगे फ्रेंड्स मीन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे मीन कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड मीन निकालते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे ना हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं रूट ऑफ एन से। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है आपकी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है आपकी, जो कि आप इसे कह रहे हैं एन। ओके फ्रेंड्स, और आप ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ता है, और ये फॉर्मूला है कि एम प्लस माइनस, एम क्या है मीन, प्लस माइनस 1.96। 1.96 क्या है, 0.05 की वैल्यू, 0.05 की वैल्यू आपकी है 1.96, ये आपको कल ही करवाई थी 1.96। ठीक है, और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या है, 2.58, ये याद करने वाली है चीज। और यहाँ पे SM क्या है, SM है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, हमने ये तीन चार चीजें पढ़ी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, और यहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, फिडिशरी लिमिट क्या है, यहाँ पे हम जो 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू क्या होती है 1.96, और 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू क्या होती है 2.58। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अब तक करा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छे से देख लो फॉर्मूला, याद कर लो ये, अब क्वेश्चन करेंगे ना तो यहाँ पे हमें हेल्प करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो, फिडिशरी लिमिट आपको क्या बता रहा है, एम प्लस माइनस 1.96 इंटू SM, और ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपर लिमिट जब निकालते हैं आप, अपर लिमिट में हमेशा प्लस करेंगे क्योंकि वो बड़ी है, हमेशा प्लस होती है, और जो लोअर लिमिट होती है उसमें आप हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आपका सिग्निफिकेंस लेवल पे 0.01 सिग्निफिकेंस लेवल पे दिया हुआ है कि 2.58, और यहाँ पे 2.58 माइनस करेंगे जब हम लोअर लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2018 में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है एज इट इज उसके नीचे लिखते जाओ, जो जो उसने दिया है सेम है मैथ्स की तरह। मैथ्स में क्या करते थे, जो आपको क्वेश्चन देता था उसको ध्यान से रीड करते थे केयरफुली, और जो वो आपको वैल्यूज देता था उसको नीचे नोट डाउन करते रहते थे। अब देखो आपको क्या कह रहा है, ये स्टैट्स भी सेम ही है, मैथ्स ही है ये, क्या कह रहा है, अ स्कूल प्रिंसिपल गेव अ स्पेलिंग टेस्ट टू 256 स्टूडेंट्स। 256 स्टूडेंट्स को स्पेलिंग टेस्ट दिया है स्कूल के प्रिंसिपल ने। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कोर वॉज फाउंड टू बी अ नॉर्मल विद अ मीन ऑफ 42। अब क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे मीन दिया हुआ है आपको कितना, मीन दिया हुआ है 42। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल ने स्पेलिंग टेस्ट दिया, यानी कि टोटल वैल्यूज कितनी दी हुई है, टोटल वैल्यूज कितनी, यानी कि एन, एन कितना दिया हुआ है 256। ठीक है, अब यहाँ पे मीन 42 दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 8 दिया हुआ है। ठीक है एसडी, अब आपको बताना है द प्रोबेबिलिटी इज 0.95 दैट द मीन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन वुड बी लेस देन द अपर लिमिट। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में ही बता रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0.95 पे, तो 0.95 क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या बता रहा है 0.01 पे। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल कितना बता रहा है आपको 0.95, मतलब है कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल बता रहा है आपको कितनी वैल्यू 0.05 पर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.96। ठीक है, और आपको यहाँ पे बताना है अपर लिमिट। फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट निकालनी है, क्वेश्चन में बता देगा अपर लिमिट निकालनी है, लोअर लिमिट निकालनी है, अपर लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फॉर्मूला क्या था, रिकॉल करिए, बताते जाइए, फॉर्मूला क्या था, क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे
मीन प्लस यहाँ पे 1.96 ये अपर लिमिट का फॉर्मूला है, 1.96 इंटू SM. SM क्या था? स्टैंडर्ड मीन ऑफ एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, SM जिसको कह रहे हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ठीक है. और इस सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे SM निकालना पड़ेगा. ये मेरी अपर लिमिट का फॉर्मूला है, अपर लिमिट का फॉर्मूला मेरा आ गया, क्योंकि मेरे से अपर लिमिट बहुत पूछी है, मैं वही निकालूंगा. तो इसमें आपको यहाँ पे SM कैसे निकालते हो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालते हो बताओ, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैसे निकालते हो. ये देखो फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय कितना, रूट ऑफ एन, एन क्या है टोटल वैल्यू, रूट निकालना है 256 का. फॉर्मूले में पुट करो, SM निकालो, SM निकालने के बाद इसको इस वाले अपर लिमिट के फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है यहाँ पे, और बताओ कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या है. सो फ्रेंड्स हेयर योर आंसर इज बी. वाई बी सॉल्व किया, किसी ने सॉल्व किया, और यहाँ पे इसका आंसर क्या है 42.98. अब देखो कैसे सॉल्यूशन, सब कुछ तो वैल्यू आपको यहाँ पे बता ही दी थी मैंने, फॉर्मूले में पुट करना था, करना क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया हुआ है आपको, 0.95% आपको दिया हुआ है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी कि लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस. अब यहाँ पे फिडिशरी लिमिट क्या थी, इसका फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने, जो कि आपको अपर लिमिट निकालनी थी सिर्फ. मीन 42 दिया हुआ था आपको, आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना निकालना था, फॉर्मूला क्या था, एस जी डिवाइडेड बाय रूट एन, यानी कि 256 का रूट निकालना था, जिसका रूट होता है 16, 8 से डिवाइड करना था, 0.5 आ गया. अब उस 0.5 आपका SM आ गया, SM क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन आ गया, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना था, अपर लिमिट निकालनी थी. 42 प्लस 1.96, 42 क्या था, मीन दिया हुआ था, SM क्या था, 0.5 था, इसको इसको सॉल्व करो, 42.98 आ गया, ये हमारा आंसर है, ठीक है. जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लो, ताकि कोई परेशानी ना हो, फॉर्मूला लिख लो और फिर इसको सॉल्व करो. ये 2018 में आया था फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. नेक्स्ट देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना फ्रेंड्स, आपको ये इंटरवल ही पूछ रहा है पूरा, किसमें से कितने आपकी जो वैल्यू है वो वेरी करेगी, यानी कि कितने से कितना आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो आएगा, कहाँ पे वो लाई करेगा, कौन सा इंटरवल होगा. तो आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको मीन दिया हुआ है 100, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 20, आपको एन क्या दिया हुआ है, टोटल वैल्यूज कितनी दी हुई है 100. आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंडिकेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन एट 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 0.01, यानी कि 99, यहाँ पे कितना दिया है 99% आपको कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कि आपका लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी है. उसका सिग्निफिकेंस लेवल कितना है 0.01, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2.58. ये याद करने वाली है फ्रेंड्स, 2.58 है इसकी वैल्यू, याद कर लो इसको. अब इसको निकालो, जो जो दिया है वही फॉर्मूले में पुट करो. सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालोगे, यानी कि एस डी स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालोगे. कैसे निकालोगे, यानी कि आप सबसे पहले एस डी करोगे, डिवाइड करोगे उसको टोटल वैल्यूज का रूट से, ठीक है, जो आएगा वो आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होगा. फिर बाद में जाके उसको फॉर्मूले में पुट करोगे. यहाँ पे दोनों निकालनी पड़ेगी आपको, आपको लोअर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, आपको अपर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 2.58 पर. और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, फॉर्मूला क्या होता है, एम प्लस माइनस 2.58. 2.58 क्यों, क्योंकि 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे पूछा है, और आप इसको इंटू कर देंगे किससे, SM से, ठीक है. ये सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे सॉल्व करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है, किस रेंज में आएगा.
So friends, here your answer is D. Why D? D इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, यही फॉर्मूला था जो बता दिया था आपको, सिंपल निकालना था मीन क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, ठीक है, और यहाँ पे इसे डिवाइड कर देते हैं जो उसका रूट निकाल के एन का टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। यहाँ पे आपको दोनों ही पूछ रहा है, आपको प्लस भी निकालना है, आपको माइनस भी निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ था, मीन 100 दिया हुआ था, ठीक है, मीन आपको 100 यहाँ पे दिया हुआ था। फॉर्मूले में पुट करोगे, यहाँ पे क्या निकल के आया था आपका, SM2 आया था, इसको करोगे, एक बार आपको प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है, एक बार आपको प्लस करना है, तो आपका यहाँ पे इंटरवल निकल के आ जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट आपकी 94.8 आ गई और आपकी अपर लिमिट यहाँ पे 105.2 आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ऐसे आते हैं, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, ये भी वैसी क्वेश्चन है, ये क्या बता रहा है आपको, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि इन अ रिसर्च अंडरटेकन बाय अ स्कूल टीचर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ हिज और हर स्कूल द फॉलोइंग रिजल्ट, यानी कि एक रिसर्च कोई हुई है स्कूल टीचर पे जो कि आपको बता रही है स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट निकल कर आया उसका मीन क्या है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और उसकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे। आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है द रेंज ऑफ स्कोर्स, कि किस रेंज के अंदर उनका स्कोर्स आए हैं। अल्फा लेवल यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल कितना दिया हुआ है आपको, 0.05 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन फॉर द स्टूडेंट्स इन होल डिस्ट्रिक्ट। आपको यहाँ पे निकालना है, दोनों पूछ रहा है, अपर लिमिट भी पूछ रहा है, लोअर लिमिट भी पूछ रहा है, ठीक है। आपको सिग्निफिकेंस लेवल भी बता दिया है, आपको मीन बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया, टोटल लेंथ बता दिया। आपको वही लगाना है, सॉल्व करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालोगे और जो आया उसको आप वहाँ पे वैल्यू में पुट कर दोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे और पुट करके बताओ जल्दी आंसर क्या है आपका, बताओ जल्दी, सॉल्व करो आंसर क्या होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, प्लस माइनस 0.05 पूछा है तो 1.96 आ जाएगा इंटू SM जो निकल कर आया मेरा यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर दूंगी क्वेश्चन में तो आंसर आएगा, बताओ क्या आया। सो फ्रेंड्स हियर योर आंसर इज बी। वाई बी? बी इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन देख लो, सिंपल था, फॉर्मूले में पुट करना था, आपको जो मीन दिया हुआ है वो निकाल के, SM आपका आया था यहाँ पे 10, SM मैं निकाल दूं आपके लिए, यहाँ पे निकाल देती हूँ SM, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ n, यहाँ पे SD कितना है 10 और यहाँ पे रूट कितना आएगा टोटल वैल्यू का, यानी कि n का 100, तो यानी कि कितना हो जाएगा 100 मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, यानी कि 1, ठीक है, ये हो गया। उसी हिसाब से आपका यहाँ पे निकल कर आ गया SM यानी कि 1 आ गया। मीन क्या था यहाँ पे, 50 था, इक्वेशन में पुट करा तो आपकी लोअर लिमिट आ गई 48.04 और अपर लिमिट आ गई 51.96, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ऐसे ही निकालते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फिडिशियल लिमिट क्या होती है, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, समझ आ गया। फिडिशियल लिमिट क्या होती है, फिडिशियल लिमिट यानी कि आपका जो पॉपुलेशन मीन है वो किस रेंज में आपका किस इंटरवल में आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि आपके यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना कि जो आप डिसीजन ले रहे हो वो सही है। और जो सिग्निफिकेंस लेवल है यानी कि आपके एरर आने के चांसेस, अगर आपके यहाँ पे एरर आने के चांसेस 0.05 है यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 0.05 है, तो यानी कि आपके 95% आप कॉन्फिडेंस हो कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है। अगर आपका यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है यानी कि आपके 99% आप कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, ठीक है। और यहाँ पे 0.01 क्या है, यानी कि 1% की आपकी यहाँ पे एरर आने के चांसेस, और आपके यहाँ पे जो आपका नल हाइपोथेसिस है जो राइट है उसे रिजेक्ट करने की टेंडेंसी, जो कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है,
और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है कि जब आपका सही, आपने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, ठीक है, तो आपका ये हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल, और फिड्यूशियरी लिमिट्स कि जहाँ पे पॉपुलेशन का जो मीन है वो आपका उस रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपसे यही है कि आपको समझ आया होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा ही एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशली लेकर आई हूँ। और जितना हो सके उतना ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ही नियर है और मैं जानती हूँ आप स्टैट्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ये क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम थी, इसलिए ही आपके लिए ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप यहाँ पे एग्जाम में निकाल पाओ, क्रैक कर पाओ अपना गोल जेआरएफ को, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे फीडबैक है वो प्रोवाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सिर्फ इतना ही, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग, थैंक यू।